हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल श्याम बिकास डायरी यूएसए में। तो आज हम कुकिंग से थोड़ा ब्रेक लेंगे और मैं आपको हमारा अपार्टमेंट का बाहर का व्यू दिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसके रेंट के बारे में और इसके पोर्शंस कैसे हैं, और मैं आपको बाहर का व्यू, पार्किंग, पूरा सब कुछ दिखाऊंगी इसको पूरे डिटेल में। देखिए, मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ। ये जो है, ये अपार्टमेंट के बाहर एक वॉल है जिस पे वॉल पेंटिंग की गई है। इसमें बर्मिंघम के मेन इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उसके पिक्चर्स है। देखिए, ड्राइंग जो है, ये देखिए, उस तरफ हमारा पार्किंग लॉट है, वहाँ पे एक्सेस करने के लिए देखिए कार्ड लगता है। कार्ड लगने के बाद, जो यहाँ कार रुकती है और कार्ड लगता है, उसके बाद ही एंट्री होती है अंदर। विदाउट कार्ड आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। और फिर एग्ज़िट करने के लिए दूसरी साइड है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और ये देखिए, हमारा पूरा बिल्डिंग ऊपर तक, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला है वो पेंट हाउस है। बाकी इसमें देखिए, ये फैमिली पोर्शन टाइप में है, इस तरफ वाले जो भी हैं। वैसे बिल्डिंग तो बहुत ही बड़ी है, देखिए वहाँ तक है, लास्ट तक। वहाँ पे देखिए एग्ज़िट का है, कार एग्ज़िट का। तो जो इस साइड के जो पोर्शन हैं वो एक्चुअली डबल बेडरूम, सिंगल बेडरूम्स हैं इसमें सिर्फ। और जो उस तरफ हैं वो बैचलर वाले हैं, देखिए बैचलर टाइप में, जैसे कि स्टूडियो टाइप। स्टूडियो मतलब एक रूम होता है और उसके साथ अटैच किचन होता है, छोटा सा एक पार्टीशन होता है जो बस उतना ही। तो उसमें भी लार्ज स्टूडियोज और स्मॉल स्टूडियोज होते हैं। स्मॉल स्टूडियोज लाइक कितना, ऑलमोस्ट ऐसे $750, आजकल तो महंगा हो गया है थोड़ा, तो 850 समथिंग हो गया है। और जो लार्ज स्टूडियोज हैं वो हैं 950,000 के बीच में। और जो हमारे जैसे सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लाइक सिंगल बेडरूम है 1200 प्लस, और जो डबल बेडरूम है वो है 1400 प्लस। देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ उस तरफ स्टूडियोज़ के लिए। स्टूडियोज़ की तरफ देखिए, ज़्यादा ऊंचा नहीं है बिल्डिंग, सिर्फ 2 फ्लोर्स का ही है जो स्टूडियोज़ का है। मैं आपको एग्ज़िट का दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। जो हमारा अपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी के पास में है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपार्टमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हम थोड़ा दूर जाके लेंगे, दूर वाले एरिया में, तो जो अपार्टमेंट है वो थोड़े चीप में मिलते हैं और बड़े भी होते हैं। बट हमें पास में चाहिए था ताकि हम कभी भी इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल जो है हमारा पास में है, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। अगर हम दूर लेंगे तो अपार्टमेंट जो है बहुत ही बड़ा मिलता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। बट ये पास में है तो हमारा जो स्पेस है वो कम हो जाता है और रेंट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, ये नीचे के जितने भी हैं ये सब ऑफिसेज हैं उसी प्रॉपर्टी के, इस तरफ। और देखिए, वो देखिए, ये हमारा कार एग्जिट का वे है। यहाँ पे सेंसर लगा होता है डोर पे, जैसे ही अंदर जाने के लिए जैसे कि हमें एक्सेस कार्ड की ज़रूरत है, बट बाहर आने के लिए जैसे ही हम अपनी कार को पास में लेके आते हैं गेट के, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 3-4 जगह हैं जहाँ से हम बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। देखिए, ये स्टूडियो वालों के लिए वहाँ पे भी जो स्टेयर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से वो लोग ऊपर जा सकते हैं। तो अब चलो हम अपने अपार्टमेंट के अंदर का दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये समर में पूरे ऐसे फ्लावर्स और प्लांट्स लगाते हैं अच्छे अच्छे क्योंकि विंटर में तो ये सब पूरा ड्राई हो जाता है सब कुछ। देखिए कितना ग्रीनरी है ना। इस तरह देखिए, खाली पार्किंग लॉट है। जो यहाँ पे वर्क करने वाले हैं वो लोग नॉर्मली यहाँ पार्क कर लेते हैं। थोड़े पार्किंग लॉट पे करने वाले हैं, थोड़े ऐसे
फ्री टाइप में भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पोल लगा हुआ है ना, यहाँ पे हम अपनी कार पार्क कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पर इस पर क्या होता है कि आपको कॉइन डाल के पर आर पे करना पड़ता है ये मशीन पे। देखिए यहाँ पे जो इसे वर्क करने के लिए आते हैं वो लोगों को पार्किंग लॉट के लिए कभी कभार क्या करते हैं यहाँ पे पार्क करते हैं, देखिए साइड में रोड की साइड में, तो उन्होंने उन्हें पे करना पड़ता है पर आर के हिसाब से। तो ये देखिए हमारा अपार्टमेंट आ गया है, अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। ये अंदर जाने के लिए ये देखो एंट्री, ये मेन एंट्री है हमारी। इसके बाद हम लोग ये गेट है, इसके अंदर जाने के लिए हमें एक्सिस कार्ड यूज़ करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो वीक डेज है उसमें हम लोग 8 to 5 के बीच में हम विदाउट एक्सिस हम अंदर आ सकते हैं, क्योंकि रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट होती है। पर जैसे वीकेंड होता है तो उस वीकेंड पे हम ये एक्सिस कार्ड यूज़ करना पड़ता है डे टाइम में भी। तो देखिए मैं एक्सिस कार्ड यूज़ कर रही हूँ अब इससे, ये देखिए एक्सिस कार्ड, अब ये डोर ओपन हो गया है हमारा। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए वेटिंग के लिए चेयर्स लगी हुई है, फिर उसके बाद ये पूरा वेटिंग एरिया है। देखिए हाय, तो ये देखिए यहाँ पर भी वेटिंग का है, ये पूरा वेटिंग एरिया ही है हमारा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है रिसेप्शन, देखिए रिसेप्शन एरिया है इस तरफ। और अगर हमें जैसे कोई प्रॉब्लम है अपार्टमेंट के रिलेटेड तो हम यहाँ पे आके बता सकते हैं और वो सॉल्व करेंगे, कुछ भी हो प्लम्बिंग के लिए या कुछ भी, मतलब आपका स्टोव ख़राब है या कुछ भी, तो वो ये सब ये रिपेयर करवाते हैं। और हमारे जैसे पैकेजेस हैं वो चीज़ें भी यहीं पे आती है, और फिर वो आपको अपार्टमेंट नंबर एक प्लेस में रखते हैं एक रूम में और अपार्टमेंट नंबर बोर्ड पर डाल देते हैं। तो हमें अपना अपार्टमेंट नंबर बता के और वहाँ से लेना होता है। तो पहले मैं आपको इस तरफ का एरिया दिखा देती हूँ, देखिए ये हमारा मेल रूम है, ये देखिए यहाँ हमारे मेल्स आते हैं, तो जो छोटे छोटे मेल्स हैं वो सब इसी में आते हैं और जो बड़े पैकेजेस हैं वो चीज़ें अंदर रखी जाती है। तो ये देखिए हमारा छोटा सा जिम, देखिए ये एक अपार्टमेंट का छोटा सा जिम है। यहाँ पे हम नॉर्मली टाइम में वर्कआउट करते थे बट अभी कोरोना की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। ईशान, ईशु, चलो चलो ये देखिए। अब नॉर्मली ये भी एक एग्जिट है पार्किंग की तरफ, इधर देखिए ये हमारा जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था पार्किंग लॉट है। इसके अंदर आने के लिए भी हमें एक्सेस कार्ड यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि देखिए अपार्टमेंट के लिए इसके लिए भी यहाँ पे बना हुआ है एक्सेस कार्ड, ऐसे यूज़ करना पड़ता है ऐसे। पे हॉस्पिटल पास में है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तो ये उसी के चॉपर एयरलिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस है। और ये देखिए ऑफिस, और वो देखो मैंने बोला था ना आपको स्मॉल स्टूडियोज और लार्ज स्टूडियोज, तो ये अंदर की तरफ भी है, टू साइड्स है, एक इस तरफ पोर्शन होता है और एक पीछे की तरफ भी है।
तो सारे अपार्टमेंट ऐसे ही हैं कि बैक साइड भी है और फ्रंट साइड भी है। तो ये पार्किंग लॉट जो है बहुत ही बड़ा है, पार्किंग लॉट है हमारा, देखिए पूरा पीछे तक है। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, देखिए ये पीछे देखिए, यहीं से हम एंटर करते हैं अंदर की तरफ। मैंने आपको दिखाया था एक्सिस कार्ड से हम पार्किंग लॉट के अंदर एंटर करते हैं, तो वो यही वाला प्लेस है। और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस, और देखिए ये पूरा पार्किंग लॉट है। तो हम पार्किंग लॉट में फ्री में नहीं है ये, इसको भी हमें पे करना होता है मंथली $50 के आसपास करते हैं, 50 से शायद ज़्यादा ही है थोड़ा। तो ये देखिए ये पूरा सब पार्किंग है, बहुत सारे इसमें पोर्शंस हैं, इसलिए पार्किंग लॉट जो है बहुत ही बड़ा है। देखिए वहाँ तक, लास्ट तक पार्किंग लॉट है। और पार्किंग लॉट के साथ साथ यहाँ पे इधर देखिए इस तरफ भी पोर्शन है पीछे की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि उस तरफ एग्ज़िट है, जो एग्ज़िट यहीं से जाते हैं हम ऐसे एग्ज़िट करने के लिए, अगर हमें पार्किंग लॉट से एग्ज़िट करना है बाहर की तरफ रोड की तरफ, तो इसी तरफ से जाते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए उस तरफ है पार्किंग लॉट का वो। अब नेक्स्ट मैं आपको कॉमन रूम दिखाती हूँ, जिसे हम जैसे कि पार्टी के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत सारे वे हैं अंदर आने के लिए, ये देखिए ट्रैश डालने के लिए भी है यहाँ पे, हर 3-4 मतलब पोर्शन के लिए एक ट्रैश का रहता है। तो देखिए इधर से भी हमारा ये जो ऑफिस का है वो दिखाई देता है। तो मैं आपको अब कॉमन रूम दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये चीज रिसेप्शन के बगल में ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कॉमन रूम है, और देखिए यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स अपना मतलब जो अपना वर्क करना होता है कर लेते हैं। देखिए और वहाँ पे देखिए टीवी लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपना टीवी भी देखते हैं लोग बैठ के। यहाँ पे फ्री वाईफाई होता है, तो सब लोग यहीं पे आके मोस्टली अपना वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे पार्टीज भी कर सकते हैं, जैसे कोई बर्थडे पार्टीज भी कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा स्पेशियस रूम है ये। और देखिए यहाँ पे कॉफ़ी मेकर है, तो अगर आपको मतलब कुछ यहाँ पे पढ़ते वक्त कॉफ़ी पीना हो या जो भी गर्म करना हो खाना, देखिए माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, यहाँ पर अपना फूड यहाँ रख सकते हैं आप। मोस्टली यहीं पे पार्टीज होती है, जैसे थोड़ी बड़ी पार्टीज हैं तो हम लोग यहीं पे करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें वेंडिंग मशीन भी है। ये ऊपर जाने के लिए एलिवेटर है यहाँ पे। और फिर जो यहाँ पे देखिए ये बाहर तो ये हमारा पूल एरिया है। मोस्टली यहाँ पे समर में बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बट अभी कोरोना के टाइम में कोई पूल एरिया साइड नहीं आ रहा है। बहुत ही रेयर लोग हैं जो थोड़े बहुत आते हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। देखिए और ये देखिए अपार्टमेंट्स, ये स्टूडियोज और जो लार्ज स्टूडियोज में बता रही थी आपको। और मैं आपको अब दिखाती हूँ, वापस आ रही हूँ मैं।
आपको अब स्टेयर्स दिखाती हूँ ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर भी देखिए बैठ के अपना पढ़ने के लिए है। इस तरफ भी देखिए अपार्टमेंट्स हैं। ये थोड़ा रोड वाला व्यू है अपार्टमेंट्स का। इस तरफ दिखाती हूँ मैं, देखिए यहीं पे मैंने आपको दिखाया था कि एक्सेस कर सकते हैं कार के साथ अंदर। हमारा जो अपार्टमेंट है पूरा रोड की तरफ है, रोड साइड वाला है कॉर्नर में, तो यहाँ पे हमेशा जो लाइटिंग्स रहती है अंधेरा नहीं होता ज़्यादा मतलब। ये देखिए उस तरफ देखिए वो जो पीछे है ग्लास की बिल्डिंग, वो हॉस्पिटल है बच्चों वाला। तो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए पोर्शन, ये हमारा फ्लोर है ऊपर, ये देखिए। लास्ट में मैं एक बार और आपको पूल एरिया दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे समर में हम लोग बैठ के डिनर करते हैं मोस्टली, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। नाइट टाइम तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा होता है। अभी लाइटिंग्स ऑफ है पर नॉर्मल टाइम लाइटिंग्स अच्छे से दिखाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।